बालाघाट जिले के लालबर्रा तहसील क्षेत्र के नगर मुख्यालय वार्ड क्रमांक 19 पाडरवानी से बड़ा ही मार्मिक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर स्थानीय निवासी सुल्ताना बेगम को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए प्रथम किश्त 25,000 रुपए उनके खाते में डाल दी गई थी, पर वे अपना धराशाही मिट्टी का मकान बनाने में असहाय दिखाई पड़ रही है। विदित हो कि सुल्ताना बेगम अपनी बेटी, एक बेटा और बहू नातिन के साथ बारिश के समय में भी टूटे फूटे हुए मकान में ही रह रही हैं। वह अपना मकान बनाना तो चाह रही है, लेकिन विवाद की स्थिति में उनके द्वारा सीमांकन के लिए आवेदन लगाया गया है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से आज तक सीमांकन नहीं हो पाया है। उन्होंने तहसीलदार से गुहार लगाते हुए अपनी पीड़ा बताई है। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन के साथ हलका पटवारी को सीमांकन करने के निर्देश भी दिए थे, बावजूद इसके हलका पटवारी आरआई का हवाला देते हुए कहते हैं कि अभी बारिश आ गई है, पानी बंद हो जाएगा तो सीमांकन कर देंगे। इस प्रकार के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा कहीं सुल्ताना बेगम के परिवार को भुगतना ना पड़े। अगर किसी प्रकार की जनहानि हो जाए तो इसके लिए क्या सीमांकन करने की लापरवाही बरतने वाले कर्मचारी अधिकारी जिम्मेदार होंगे? यदि समय रहते सीमांकन कार्य नहीं हो पाया तो सुल्ताना बेगम को मिलने वाला प्रधानमंत्री आवास का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए भी कहीं ना कहीं अधिकारी ही जिम्मेदार होंगे, और विधवा महिला सुल्ताना बेगम को अपने परिवार के साथ दर बदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ जाएगा। बहरहाल उन्होंने प्रशासन से जल्द ही सीमांकन कराने की मांग की है। प्रकाश चौहान की रिपोर्ट। आपका परिचय? मैं शहाना हंपी वल्जमीरुद्दीन हंपी, ये मेरी माता सुल्ताना हंपी, इनके नाम की इंदिरा आवास की सूची आ चुकी 25,000 की पहली राशि। हमारा सीमांकन नहीं हो पा रहा है। शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई करके हमको हमारे मकान की जगह और हमारे सीमांकन का नाप करा के दिया जाए। कब करवाना था आपके यहाँ का सीमांकन? हमारी सीमांकन की तारीख थी 19/6/2023, तो तहसीलदार साहब ने आदेश दे चुके हैं पटवारी साहब को, लेकिन वो किस कारण नहीं कर पा रहे, क्या दबाव है उनके ऊपर, क्या प्रेशर है, ये हम आप लोगों से अपील चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी कार्रवाई की जाए और हमारे घर का सीमांकन करके दिया जाए। हम लोग क्या दबाव बनाकर सीमांकन के लिए राजी करेंगे, हमारे हाथ में माफी नहीं जाएगा।